शानदार प्रोग्राम आज आपका यहाँ पे हुआ, यहाँ नहीं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में आपके जबरदस्त प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग उम्मीद भरी नजरों से चौधरी अभय सिंह चौटाला को देख रहे हैं, आपकी पार्टी को देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जो अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है लगातार, आज से 1.5 वर्ष पहले हमारी पार्टी के कुछ स्वार्थी लोगों ने लोगों को गुमराह किया। मेरे बारे में एक कांग्रेस बीजेपी और उन लोगों ने मिलकर के एक मुहिम चलाई, और वो इस तरह की मुहिम थी कि ना केवल जो हमारे से निकल कर गए वे स्वार्थी लोग उस बात को प्रचारित कर रहे थे, बल्कि कांग्रेस भी उसी बात को प्रचारित कर रही थी, बीजेपी भी उसी काम में लग गई, और लोगों में एक मैसेज ये दे दिया, कहीं उसमें कामयाब हुए कि मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता। लोगों ने उनकी बात पे भरोसा किया और हमारे से अलग होकर के उनके साथ खड़े हो गए। वो लोग क्योंकि स्वार्थी थे और वो सत्ता में शामिल होना चाहते थे, सत्ता पे काबिज होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सांठगांठ की, दोनों को ये कहते रहे कि अब की बार हम मिलकर के सरकार बनाएंगे। आखिर तक भी इसी गेम को उन्होंने बनाने का काम किया। आखिर में जब उन्हें ये लगा कि अब कहीं बात नहीं बनेगी तुम्हारी, तो फिर भाजपा के साथ सौदेबाजी करके सत्ता में शामिल हो। सत्ता में जब शामिल हुए तब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि आपके साथ धोखा हुआ है, और सत्ता में शामिल होने के बाद ये जो 8 महीने का 9 महीने का समय जो निकला है, उनमें उनके जो उस वक़्त के अंदर कही गई बातें थी, जो एक केवल बरगलाने के लिए झूठ बोलने का काम करते थे, वो सारी बातें आज खुल करके लोगों के सामने आ गई। आज तो सोशल मीडिया में इस तरह की बातें लिखी जाती है, आज कर्मचारी से लेकर के बड़े अधिकारी तक, सेक्रेटरीट में जाओगे उनसे बात करोगे तब आपको एहसास होगा कि वो उन स्वार्थी लोगों के बारे में क्या कहते हैं। आम आदमी जो खेती करने वाला है, जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, अगर उससे भी पूछोगे आप तो वो भी ये कहेगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, हमारे बच्चों के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग गया, हमारे बुजुर्ग का अपमान हो गया। आज इसलिए लोग दोबारा फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। चौधरी देवीलाल का राज देखा, चौटाला साहब का राज देखा, जो चौधरी देवीलाल ने लोगों से वायदे किए उनको पूरा किया, चौटाला साहब ने गांव के 10 आदमी जाकर के, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते थे, उन्होंने कोई बात उनके सामने रखी, उन्होंने उनका सम्मान किया और उनकी बात पर मोहर लगाई, गाँव का विकास करवाया, नए कॉलेज स्कूल खोले, हॉस्पिटल बनाए, अनेक सुविधाएं लोगों को दी। 10 साल के कांग्रेस के राज में केवल जमीन पर लूट मची, बीजेपी के पिछले 5 साल में किसान परेशान हुए, इसीलिए लोगों ने बीजेपी को सत्ता में बाहर रखने के लिए कांग्रेस को और जसपा को वोट दे दिया। जिस कांग्रेस को वोट दिया उससे उम्मीद करते थे कि ये या तो सत्ता में आएंगे या फिर ये विपक्ष के अंदर तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, उस कांग्रेस ने भी भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। आपके सामने है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो आज से 2 साल पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें पेन की शाही बदल करके अपना वोट खाली छोड़ करके
बीजेपी के रमेश उसको सुभाष चंद्रा को जिताने का काम किया था। कांग्रेस हाईकमांड बड़ा नाराज हुआ था, कांग्रेस हाईकमांड के आदेश थे कि आर के आनंद को वोट देना है, लेकिन उसके पक्ष में वोट डालने की बजाय कैसे हुड्डा को इन मुकदमों से बचाया, अपने आप को बचाया जा सके, इसलिए मोदी से हाथ मिला लिया और उनके इशारे के ऊपर ही सुभाष चंद्रा को इन्होंने राज्यसभा का मेंबर बनाया। अब बीजेपी ने उनका एहसान उतारा है। बाकी राज्यों में जहाँ चुनाव थे राज्यसभा को लेकर वहाँ तो अगर बीजेपी के पास दो से तीसरे के लिए कोई वोट ही नहीं बच रहा था तो तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। कांग्रेस में हॉर्स राइडिंग कैसे हो, कैसे कांग्रेस में भगदड़ मचे, इसके लिए उन्होंने दो की जगह तीन तीन कैंडिडेट खड़े किए। हमारे यहाँ तो 31 MLA कांग्रेस के थे, केवल दो MLA को बरगलाने की बात थी। 8 ऐसे MLA हैं आज भी हरियाणा में जो हुड्डा के खिलाफ अपना वोट डालते हैं। राज्यसभा में कोई व्हिप नहीं जारी हो सकता, मर्जी है विधायक की किसको वोट दे। अगर कोई तीसरा कैंडिडेट बीजेपी खड़ा करती तो दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा नहीं जाता, इसलिए तीसरा नहीं खड़ा किया इन्होंने कि अगर तीसरा खड़ा कर देंगे तो फिर हुड्डा का स्थान कैसे उतारे। अब लोगों को जहाँ JJP का चेहरा सामने आ गया वहीं आज कांग्रेस का भी मामला सारा सार्वजनिक हो गया कि कांग्रेस बीजेपी JJP कैसे मिली हुई है। मैं तो चलो ये बात कहता हूँ तो कहीं आपको ये लगता होगा कि आपस में राजनीतिक द्वेष है। चौधरी रणजीत सिंह का बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का बयान आप सुनो, उन्होंने गांव में ये बात बड़ी खुल करके कही है। एक उनके कैबिनेट के मिनिस्टर ने, अगर सरकार का मिनिस्टर ये कहता है कि भी हुड्डा ने अपने आप को इन मुकदमों से बचाने के लिए मोदी के पैर पकड़ लिए और आज इसीलिए जेल की सलाखों के पीछे नहीं जा रहा कि मोदी साहब ने इसको बचाया हुआ है। और वो लोगों को ये भी कहते हैं कि भाई तुम भी स्वार्थी हो जाओ, तुम भी बीजेपी के साथ लग जाओ, तुम भी बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दो। वो ये भी कहते हैं मैं भी स्वार्थी हो गया, मतलब स्वार्थी होकर के उन्होंने सरकार ज्वाइन करी। तो वहाँ तो केवल स्वार्थ की राजनीति है, वहाँ इस बात पे मोर लगाई जाती है कि भाई यहाँ तो यहाँ पे स्वार्थ के साथ आ जाओ और अदरवाइज फिर हम आपको ऐसे मामलों में उलझा लेंगे जिससे आपके राजनीतिक जीवन में आगे दिक्कत आएगी। हुड्डा को तो फंसा लिया मुकदमे दर्ज करके, और फंसाया नहीं, अगर उन मुकदमों में जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें सही ढंग से पैरवी सरकार करे तो अब तक हुड्डा साहब को जेल में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपस में मिले हुए हैं इसलिए प्रदेश चाहे बर्बाद हो जाओ, प्रदेश का किसान खत्म हो जाओ। आज इसीलिए पूरी कांग्रेस जो है 3 अध्यादेश किसान के खिलाफ आए हैं। आप मुझे बताओ कोई एक स्टेट के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसका विरोध किया? सब अपने अपने स्टेट चलाना चाहते हैं, किसी को किसान की चिंता नहीं है। ये अध्यादेश जिस दिन लागू हो गए उस दिन मान के चलो किसान जो है अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं नहीं लेके जा सकता, फिर तो किसान को गुलाम होकर के बड़ी कंपनियों के आगे मजबूर होना पड़ जाए। अभी तो अध्यादेश आया है, मेरे ख्याल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने लगेंगे, विरोध नहीं है तो जल्दी लागू कर देंगे, लागू होगा उसके बाद किसान को एहसास होगा कि तेरा तो डेथ वारंट जो है बीजेपी ने साइन कर दिया। उस अध्यादेश के अंदर स्पष्ट है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप SDM और DC के द्वार लगा सकते हैं जो सरकार के नौकर हैं, जैसे सरकार आदेश करेगी वो मानने पड़ेंगे। तो बीजेपी जो किसान विरोधी चेहरा है आज वो इस बात में जो उनकी सोच है उसमें कहीं आगे बढ़ रहे हैं और विपक्ष कमजोर है इसलिए उसका विरोध नहीं। कोरोना जैसी, इसलिए हरियाणा प्रदेश का जो किसान है जिसको चौधरी देवीलाल ने
खेत से ला करके राजनीति में सक्रिय किया। वो इस बात को अच्छे से समझता है कि आने वाले कल को तेरे लिए बीजेपी भी मौत है, जेजेपी कांग्रेस भी तेरा बीजेपी के साथ मिलकर के मारना चाहती है। इसलिए लोग जो है नए सिरे से पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लोगों को विश्वास और भरोसा है कि चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इसके साथ अगर खड़े हो जाओगे तो भविष्य में फिर इनको अपनी चिंता नहीं है, हम किसान की चिंता समाप्त करें। कोरोना जैसी महामारी में जहाँ पूरा भारत भयभीत था, लेकिन एनएलओ के आप लगातार बाहर निकलते रहे, लोगों के बीच जाते रहे, क्या कभी भय नहीं लगा कि इस चपेट में मैं ना आ जाऊँ? कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी जेजेपी के और कांग्रेस के मिलके फैसले आ रहे हैं उससे नहीं बच पाएंगे। ये तो कोरोना से भी खतरनाक है। अगर मैं इस कोरोना की आड़ लेकर के अपने घर बैठ जाता तो फिर किसान की फसल की पेमेंट नहीं होती, फिर मंडी की आड़ती को उसकी आड़त नहीं मिलती, फिर किसान जो है अपनी फसल मंडी में बेचने की बजाय घर बैठा बैठा आड़ती को जिसकी कीमत 4,400 रुपये MSP थी उसको 2,500 में बेचना पड़ता। मैंने अपनी जिम्मेवारी समझी सर। बीमारी से तो बचा जा सकता है, इनसे कैसे बचोगे? सर जो है रामकिशोर चाह रहे हैं जिला अध्यक्ष, आजकल दिन एलो के प्रोग्राम में दिखाई नहीं दे रहे, कहीं किसी युवा को तो जिम्मेवारी नहीं दीजिए जिला अध्यक्ष की? आप हमारे संगठन पे भी सवाल खड़े करते हैं, ये हमने देखना है किसको पार्टी का पदाधिकारी बनाना है, किसको क्या जिम्मेवारी देनी है। इसके लिए आपको कोई भी ऐसा सवाल पूछने से पहले सोचना चाहिए। मैं आपसे ये पूछूं कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो आपके पास कोई जवाब है? रिपोर्टिंग के लिए आए? रिपोर्टिंग के लिए मैंने तो नहीं बुलाया है। हमारे प्रधान के घर में चाचे ताऊ में डेथ हुई आज ही, वो क्या इस हालात में आ सकते हैं? संगठन हमने देखना है हमारा अपना, हमने किसको संगठन में क्या बनाना है, क्या जिम्मेवारी देनी है, कैसी देनी है। चार साहब एक ईमानदार अफसर रहे और उन पे कभी कोई उंगली नहीं उठी, वो हमारी पार्टी को संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा अपनी तरफ से समय निकालते रहे। जो सब शराब घोटाले को लेकर आपने पुरजोर आवाज उठाई, सरकार ने दबाव में SIT गठित की, अब SIT की रिपोर्ट आ चुकी है, अनिल विज को मिल चुकी है, लेकिन उसमें जो खबरें आ रही हैं कि सिर्फ लीपा पोती ही है अभय चौटाला, अब आगे क्या करेंगे ऐसे में? पहले रिपोर्ट देखूंगा, अगर किसी को बचाने की कोशिश की गई है तो उसके लिए अगली लड़ाई लड़ेंगे। वो ये थोड़ा ही है कि उन्होंने जांच करा ली, रिपोर्ट बना ली, ठंडे बस्ते में डाल दिन, हम चुप करके बैठ गए, ये कैसे संभव? जो सर एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश की मीडिया है चौधरी अभय सिंह चौटाला को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव है, हम प्रदेश में अन्य साथियों से ही बात करते हैं, आज किसान भी चौधरी अभय सिंह चौटाला को सम्मान दे रहा है, मजदूर भी एक उम्मीद है कि ये शख्स हमारी आवाज उठाएगा, जबकि कुछ समय पहले ऐसा दौर था चोई साहब कि बेशक से मैं आपको खुल के बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी इमेज एक ऐसी सेट कर दी गई थी, लेकिन अब हर आदमी आपके उम्मीद की किरण देख रहा है कि ये शख्स हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा, किसान हो चाहे युवा हो चाहे मजदूर हो, शिक्षा को लेकर जो प्राइवेट स्कूलों ने किया उसका आपने विरोध किया, मीडिया आपको लेकर बेहद पॉजिटिव है, चौधरी साहब एकदम से कैसे सब बदलाव हो पाए? मैंने बताया ना आपको, झूठ के पांव नहीं होते। इस किस्म के जो प्रचार है वो ज़्यादा दिन नहीं चला करते, एक दफ़ा ये अपने इस प्रचार में कहीं कामयाब हुए, अब लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है। आप भी तब उनके बहकावे में आए हुए थे, मुझे कोई संकोच नहीं है ये बात कहने से। कई दफ़ा कई मीडिया के साथी अगर मैं इस तरह की बात करता हूँ तो वो यूँ सोचते हैं कि ये डायरेक्ट तेरे को कटाक्ष कर रहा है, मैं कटाक्ष नहीं करता हूँ। मेरा बड़ा स्पष्ट सा मामला है कि मेरे खिलाफ अगर आप बिना मुझसे मिले कोई प्रचार कर रहे हो तो फिर आप भी उन्हीं श्रेणी में शामिल हो जाते हो जो बहकावे में आने वाले लोग।
अब मीडिया के लोगों को सारी बातों का पता लग गया, आम लोगों को पता लग गया। अब मीडिया वाले अगर मेरे खिलाफ़ कोई ऐसी बात बोलेंगे, कोई अगर किसी पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति अगर कहीं मुझे फिर बदनाम करने की कोशिश करेगा तो लोग फिर गले में हाथ डाल लेंगे। बड़ौदा चुनाव में तीन पार्टियां एक साथ हो गई और आपकी इनेलो एक तरफ हो गई, जैसे आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जेजेपी और बीजेपी का साथ देगी, तो ऐसे में इनेलो कैसे इस देश के अंदर सन 1984 में 450 सीट कांग्रेस ने जीती और 84 के बाद कोई राजनीतिक दल जो है राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हुआ। केवल चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने हरियाणा के साथ जब अन्याय होना था तो न्याय युद्ध शुरू किया था। और लोग कहते थे कि चौधरी देवीलाल जो है गलत फैसला ले बैठे, इससे कैसे पार्टी को उभार पाएंगे। 87 में हमने सुपड़ा साफ कर दिया था। आप क्यों फिक्रमंद हो कि तीन वो इकट्ठे होकर मैं अकेला हूँ, मेरे साथ बहुत दुनिया है। आप देख नहीं रहे कैसे युवा आज जो है सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में शामिल हो रहे हैं, कैसे बड़े बुजुर्ग आज जो है इतनी गर्मी में जहाँ 2-2.5 घंटे से लगातार धूप में छोटी सी उस कनात के नीचे बैठे हैं, उनका आशीर्वाद है। और आप जैसे साथियों का सहयोग रहेगा तो मैं ये तो 3 हुए इकट्ठे 13 हो जाए तो भी दीवार को नहीं बने। धनखड़ को लेके कुछ बोल दिए जो हिसाब का